हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करने जा रहे हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को फाइनली अब हमने बहुत ही इजी करके पॉइंट्स को याद करने लायक बनाया है। आज का हमारा विंग्स होएगा और नेक्स्ट क्लास, सॉरी आज की बॉडी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम विंग्स करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले इस चैप्टर को तुम्हें याद होगा हम चार पार्ट से बांट के पढ़ते थे। पहला पॉइंट नंबर वन, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तुम्हें याद होएगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स फंड को क्या करना था, मैक्सिमाइज। शेयर होल्डर फंड को क्या करना था, मैक्सिमाइज। तो ऐसे में पॉइंट आया कि शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला निकला नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। तो शेयर होल्डर्स फंड को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा, मार्केट प्राइस को बढ़ाकर। लेकिन ये मार्केट प्राइस बढ़ेंगे कैसे, तो इसके लिए कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करके। यानी क्या, तीन एक्टिविटीज आती हैं इसके अंदर, पहला फैक्ट्री, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीन एक्टिविटीज को करने से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से क्या होएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तब शेयर्स के प्राइस यानी मार्केट प्राइस बढ़ेंगे। क्या था ये, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद हम पढ़कर आए थे फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। तीन तरह के डिसीजंस थे, ये है हमारा पॉइंट नंबर टू। तीन तरह के डिसीजंस है, पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन, सॉरी फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा है हमारा डिविडेंड डिसीजन। तीन डिसीजंस। सबसे पहले डिसीजन पे आते हैं, अगेन इसको दो पार्ट से बांटा गया था, एक तरफ था वर्किंग कैपिटल डिसीजन, एक तरफ था कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हाँ जी, तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो होता है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म, जबकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म। इस पॉइंट के साथ हमने लॉन्ग टर्म को डिफाइन किया। लॉन्ग टर्म क्या, जो रिपीटेड यूज, यानी वो एसेट्स जो रिपीटेड यूज में आती है, नॉट फॉर रीसेल, जो सेल्स के लिए नहीं खरीदी जाती है, यानी अपने ऑफिशियल यूज के लिए खरीदी जाती है, नॉट फॉर सेल। पहला पॉइंट ही था खाली ये। एक तरफ क्या रखा हमने, पॉइंट नंबर वन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्यों, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ वो समझा दिया आपने। फिर हम आए पॉइंट नंबर टू लेकर कि जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है, यहां पर क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ते आते हैं इसलिए कम पैसे की जरूरत पड़ती है, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स महंगी आती हैं इसलिए पैसे की जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ती है। क्या था ये पॉइंट नंबर टू, पहला पॉइंट क्या था, शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दूसरा यहां पर पैसे की जरूरत कम होती है, यहां पर पैसे की जरूरत ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर थ्री, पैसे की जरूरत क्यों होती है, तो यहां पर पॉइंट नंबर थ्री ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट्स के मैनेजमेंट के लिए। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं, जो किसमें आते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन में। दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट्स का मैनेजमेंट, पांच पॉइंट है, तुम्हें याद होगा हमने पहले भी ऐसे ही किए थे। न्यू एसेट्स खरीदे, खरीदी हुई एसेट पुरानी हो गई, रिप्लेस कर दें पुरानी एसेट्स को, नई टेक्नोलॉजी आ गई मॉडर्नाइज कर दें क्या, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना है, एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में खर्च करना है। पांच हमने यहाँ पॉइंट रखे। हाँ भाई, पहला क्या था, नई एसेट्स खरीदना है, कौन सा डिसीजन लेना है कैपिटल बजटिंग के अंदर, नई एसेट्स खरीदें या नहीं, पुरानी को रिप्लेस करें या नहीं, नई मॉडर्नाइज मशीन लेके आ जाए क्या, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करें या फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए पैसा खर्च करें। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने होते हैं। इसके बाद
दो कितने पॉइंट हो चुके हैं, तीन। फोर्थ पॉइंट में ले रहा हूं इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हाँ भाई, यहां पर हमने कहा था वर्किंग कैपिटल डिसीजन दो पार्ट से बढ़ जाता है, पहला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ऑल करंट एसेट्स, सारी करंट एसेट्स। मैं अगर मान लू मुझे टोटल 100% यानी करंट एसेट्स कितनी है, 100 रुपए की करंट एसेट चाहिए, कितने की, 100 रुपीज की, 100 रुपीज की करंट एसेट हमें चाहिए। ये 100 रुपए कहां से आएंगे? तो ये 100 रुपए कहां से आएंगे, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ध्यान देना, मैंने बोला कुछ आएगा करंट एसेट से, कुछ आएगा करंट लायबिलिटी से, समझते हैं क्या, सॉरी, कुछ आएगा करंट लायबिलिटी से, कुछ आएगा नॉन करंट लायबिलिटी से। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन 100 के 100 रुपीज कहां से आए, करंट लायबिलिटी से, एनसीएल से कुछ भी नहीं। दूसरा ऑप्शन, मुझे सिर्फ 80 रुपीज अवेलेबल हो पाए करंट लायबिलिटी के, तो अब रिमेनिंग कहां से आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो यहां पर लिखा है, क्या करंट लायबिलिटी लिखा है ना, थोड़ा सा वो चेंज कर लो, यहां पर लिख लेना सम पार्ट। क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर कुछ पार्ट आएगा कहां से, करंट से, कुछ आएगा नॉन करंट से। सम पार्ट फ्रॉम करंट लायबिलिटी एंड सम फ्रॉम एनसीएल, कुछ हिस्सा आएगा इसका सीएल से और कुछ कहां से आएगा एनसीएल। लास्ट वाला पॉइंट है ना उसी के अंदर, कुछ आएगा सीएल से और कुछ आएगा एनसीएल से, कुछ आएगा सीएल से और कुछ आएगा एनसीएल, कुछ आएगा करंट एसेट से, कुछ आएगा। अच्छा, क्या सारा का सारा करंट लायबिलिटी से आ सकता है? हाँ, कुछ भी आ सकता है, सारा भी आ सकता है, डिपेंड। इसलिए हमने क्या बोला, सम पार्ट, इट मे बी सम पार्ट फ्रॉम करंट एसेट और सम पार्ट फ्रॉम करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, फिर समझ लेते हैं। इसमें से वो पार्ट जो नॉन करेंट लाइबिलिटी से आया है, इसमें से वो पार्ट जो नॉन करेंट लाइबिलिटी से आ रहा है, उसे कहते हैं क्या, नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या, समझते हैं, करंट एसेट्स कितने थे 100, माइनस कितना आया करंट एसेट से 80, कितना बचा, ये क्या है 20, को क्या बोल रहे हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब वो पैसा जो करंट लाइबिलिटी से अवेलेबल अरेंज नहीं हो पाया, वो हमेशा ऑलवेज कहां से आएगा, एनसीएल से। कहां से आएगा, एनसीएल से आएगा हमेशा। ऐसे ही दूसरी तरफ जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स थी, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए हमेशा पैसा एनसीएल से ही आता है, नॉन ऑलवेज फाइनेंस थ्रू एनसीएल, नेवर थ्रू सीएल, सीएल से कभी नहीं आता है ये पैसा। हमने चार पॉइंट किए, अभी तुम में से जिसने मुझसे ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल होगा समझना, क्योंकि हम पहले इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम सीधा कंक्लूजन इसका निकाल रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो हमने अभी चार पॉइंट पढ़े, चार वापस आ रहे, स्टार्टिंग से आ रहे। सबसे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स। क्या था ऑब्जेक्टिव? शेयर होल्डर वेल्थ को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ा के। कैसे बढ़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करके। फिर हम दूसरे पे आए थे, क्या फाइनेंशियल डिसीजन, कितने थे, थ्री। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंसिंग, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। पहला हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट, कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स। फर्स्ट वन वर्किंग कैपिटल, और अब ध्यान देना मैंने चार चार पॉइंट बताए हैं। पहला शॉर्ट टर्म, यहां पर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का यूज बता देंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन कर देंगे। दूसरा पॉइंट, यहां पर लेस कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब लेस फंड रिक्वायर्ड, यहां पर मोर। थर्ड वन, यहां पर ऑपरेटिंग, किसके लिए चाहिए होता है पैसा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। यहां पर फिक्स्ड एसेट्स के मैनेजमेंट के लिए, कितने पॉइंट थे, पांच। नई एसेट्स खरीदनी है, पुरानी को रिप्लेस, मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट वर्किंग कैपिटल डिसीजन को दो पार्ट से बांटा जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कुछ पैसा सीएल से आता है, कुछ पैसा एनसीएल से, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल का सारा पैसा कहां से आता है, एनसीएल से। और इसी तरह से कैपिटल बजटिंग डिसीजन का पैसा भी हमेशा कहां से आता है, एनसीएल, नेवर फ्रॉम सीएल।
क्या चीज? हाँ नहीं, डाइवर्सिफिकेशन तो इसमें आ गया ना, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन में आएगा डाइवर्सिफिकेशन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को, जैसे जितनी मोबाइल कंपनीज होती हैं वो अपने मोबाइल को कुछ रिसर्च कर करके उसके अंदर कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं लेके आते हैं ना, उसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हाँ जी, अब इसमें एक पॉइंट बचा, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो क्या है, इरिवर्सिबल डिसीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिविजुअली भी अलग से पूछा जा सकता है. व्हाट इज इरिवर्सिबल डिसीजन? तुम्हें याद होएगा हमने कहा था, अभी ऊपर भी पढ़ा था, फिक्स्ड एसेट बहुत महंगी आती हैं. हाँ भाई, तुम ये मत बोला फिक्स्ड एसेट में तुम्हारे घर की टीवी फ्रिज, ये बात नहीं हो रही, मशीनों की बात हो रही है. एक एक करोड़ की मशीन आती है, 100-100 करोड़ की मशीन आती है, तो वो जो मशीनें हैं वो इतनी महंगी हैं, तो उनको लेने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए किस बारे में, कि हमें ये डिसीजन लेना है या नहीं. क्योंकि अगर हमने एक बार वो खर्च करके ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो हमें हैवी लॉसेस हो जाएंगे, और जब हम उस मशीन को बेचने जाएंगे तो वो मशीन भी नुकसान में बिकेगी, जिसकी वजह से हमारे लॉसेस और बढ़ जाएंगे. इसलिए कौन से कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है, इसको सोच समझ के लेना होता है. यहां सोच समझ कर डिसीजन लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब है इरिवर्सिबल डिसीजन है. ये क्या है? ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन है. क्या मतलब है इसका? तो हम बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ब्लॉक होता है ह्यूज फंड, और अगर प्रॉफिट नहीं आया बिजनेस के अंदर तो हमें हैवी लॉसेस हो जाएंगे. लॉसेस में दो तरह से बोल रहा हूँ, एक तो प्रॉफिट, यहाँ बोल रहा है प्रॉफिट नहीं आया, तो एक तो पी एंड एल का लॉस, ऊपर से एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे वो ओएलएक्स पे जाके बिकेगी, खरीदी थी करोड़ की बिकेगी 50 लाख की, मतलब क्या हुआ, डबल लॉस. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी लॉस, और उसको बेचने गए तो और लॉस. क्या वो रिवर्स हुई? मेरा क्वेश्चन है सुनना, क्या जो फिक्स एसेट्स थी क्या वो रिवर्स हुई? हाँ, लेकिन विद हैवी लॉसेस. तो इसको क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल डिसीजन. रिवर्सिबल तो है, लेकिन इरिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप रिवर्स करने के लिए गए तो आपको हैवी लॉसेस होंगे. भाई जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक तरफ, वर्किंग कैपिटल डिसीजन दूसरी तरफ, यहां 4 पॉइंट और यहां 5, यहां 4 और यहां. पहला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, दूसरा लेस मतलब लेस रिक्वायरमेंट मोर रिक्वायरमेंट, थर्ड वन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड एसेट्स के मैनेजमेंट में, नेक्स्ट वन इसको दो पार्ट से बांटा जाता है, ग्रॉस वर्किंग और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा सीएल से, कुछ एनसीएल से, नेट वर्किंग कैपिटल का 100% एनसीएल से, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का 100% एंड नेवर फ्रॉम सीएल, सीएल से कभी लेके नहीं आना है. लास्ट पॉइंट, इट्स अ इरिवर्सिबल डिसीजन. एक तरफ कितने पॉइंट हुए? 4. एक तरफ कितने हुए? 5. व्हाट इज इरिवर्सिबल डिसीजन? हाँ भाई, फिक्स्ड एसेट्स खरीदते टाइम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक होता है, और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गए, तो एक तो पी एंड एल का लॉस, और दूसरा एसेट्स को रिवर्स करने पर लॉस, यानी कि क्या ओएलएक्स पे जाके बेचना पड़ेगा. ओएलएक्स लिख मत देना, इतने पॉइंट लिखने जो है लिखे हुए हैं. क्या बोलते हैं इसको? इरिवर्सिबल डिसीजन. हाँ भाई, याद रखना, तुम लोगों को पहले जो भी चार्ट दिए गए हैं, मैं तो पहले बोल चुका हूं, दोबारा तुम्हें वो चार्ट खोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. ये एग्जैक्ट पॉइंट है जो हमें याद करने हैं, है ना. दिस इज मोर देन सफिशियंट पॉइंट्स जो अब हम याद कर रहे हैं. और आई थिंक ये तरीका भी हमने ऐसा यूज किया है जहां पर कंपेरेटिव, हर चीज कंपेरेटिव स्टडी की तरह से याद बनी रहेगी. फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा चाहिए, कहां से आएगा? इधर फ्रॉम डेट या इक्विटी. तो भाई याद होगा, मैं तुम्हें बताया था इस बारे में कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन थी. वो डेफिनेशन कहती थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पैसे का मैनेजमेंट एज फार एज कॉस्ट कंसर्न और रिस्क कंसर्न, यानी दो पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज किया जाता है. तो हमने बोला कि सबसे पहले यहां पर हमने 3 पार्ट बनाए. पहला है जनरल, इन जनरल पॉइंट, फिर कॉस्ट का पॉइंट और फिर रिस्क का पॉइंट. हाँ भाई, इन जनरल डेट एक टाइप का बोरोड फंड होता है, जबकि इक्विटी ऑनर्स मालिकों का पैसा होता है. डेट
टेम्प्रेरी होता है जबकि इक्विटी परमानेंट होती है। ये उसका फीचर था, किसका? डेट और इक्विटी का। क्या ये बोरोड है, वो ऑनर्स है, ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट है? टेम्प्रेरी का मतलब बात ध्यान सुन लो, बुक में यही पॉइंट है लेकिन बुक में क्या करेगा, बुक इसको थोड़ा अलग तरह से बोल देती है कई बार। कैसे? टेम्प्रेरी का मतलब इसका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, कोई बात नहीं, उसको टेम्प्रेरी तो कहते हैं। टेम्प्रेरी फंड मिलता है क्योंकि एक टाइम के बाद हमें वो वापस करना पड़ता है। वहां पर बोल रहे परमानेंट है क्योंकि कभी ये पैसा शेयर होल्डर्स को वापस नहीं करना पड़ता। मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, जो पॉइंट यहां है 100% टॉपिक हमारा कवर होता है लेकिन यहां कंक्लूजन है, वहां पर अननेसेसरली डाइवर्जन है। तो कह रहा हूं यही पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं, इसको जिस लैंग्वेज में लिखो तुम्हारे ऊपर है। तो हमने क्या बोला, जनरल पॉइंट कितने लिए हमने? दो। पहला क्या, कॉफ, यहां पर क्या बोला गया, ये बोरोड है, ये ऑनर्स है, ये टेम्प्रेरी होता है ये। अब हम किसके पॉइंट की बात करेंगे? कॉस्ट। कॉस्ट पे हमारे पास कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। कॉस्ट पे कितने पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास? 4। पहला, अब डेट के बदले क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। अच्छा, इक्विटी के बदले डिविडेंड। अच्छा, इक्विटी को इंटरेस्ट को बोलते क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। इक्विटी को डिविडेंड को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, जब हम बोरो करते हैं, जब हम बोरो करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, हाँ, लेकिन कम। किस बात की? फाइल चार्ज। लेकिन जब हम शेयर मार्केट से बोरो करते हैं तो हमारे बहुत सारे मैंडेटरी खर्चे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लोटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। पहला पॉइंट क्या था भाई? यहां इंटरेस्ट, यहां पर डिविडेंड। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट कम, यहां फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा। लास्ट पॉइंट, यहां पर रिटर्न, यहां पर रिटर्न गारंटीड है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट, एक मिनट, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट से दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, कंपल्सरली दिया जाता है, इसलिए रिटर्न इज गारंटीड, जबकि इक्विटी में कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएटिंग है। मैं फिर क्या बोल रहा हूं, तुम्हें यहां पर कंक्लूजन दिया गया है, बुक में तुम्हें और नए टर्म मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि क्या होता है, ये फ्लक्चुएटिंग होता है डिविडेंड, मतलब इस साल मिलेगा, अगले साल हो सकता है ना मिले, तो उसे क्या बोलते हैं, रिटर्न गारंटी नहीं है। हाँ भाई, वापस आते हैं, जनरल में 2 पॉइंट थे, कॉस्ट पे कितने ले लिए हमने? 4। जनरल के 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये बोरोड है, ये टेम्परेरी है, ये कॉस्ट के अंदर 4 पॉइंट। पहला, इंटरेस्ट यहां पर, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, इसे कॉस्ट ऑफ, फिर इसका फ्लोटेशन कम है, इसका फ्लोटेशन, इसमें रिटर्न गारंटीड है, इसमें रिटर्न गारंटीड नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास? रिस्क। रिस्क में 2 ही पॉइंट थे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और, हाँ भाई, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इज रिस्की। किस बात का? इंसॉल्वेंसी। किस बात का? इंसॉल्वेंसी। तो यहां रिस्क लिखा है, ब्रैकेट में लिख लेना, इंसॉल्वेंसी का रिस्क, इनसॉल्वेंसी का रिस्क। दूसरी तरफ इक्विटी के केस में कंपनी को कोई खतरा नहीं है, कंपनी डूब भी जाएगी तब भी शेयर होल्डर्स इंसॉल्वेंट नहीं करवा सकते कंपनी को। लेकिन होल्डर्स का मतलब डेट होल्डर के लिए, डेट हैविंग नो रिस्क, वेयर एज इक्विटी होल्डर्स के लिए पूरा रिस्क है, कंपनी डूब जाएगी, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। हाँ भाई, टोटल पॉइंट कितने बने हमारे पास? 2, 4, 6 और 7, 8। 8 पॉइंट हमारे टोटल बने, जिसको हमने 3 पार्ट में बांट के पढ़ा, पहला जनरल, फिर कॉस्ट और फिर रिस्क। ये वापस आ जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर बोरोड, ऑनर्स, टेम्परेरी, परमानेंट, कॉस्ट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन कम, फ्लोटेशन ज्यादा, गारंटी प्रॉफिट आएगा, रिटर्न गारंटी नहीं है, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी के लिए रिस्की, यहां पर नो रिस्क, डिवेंचर होल्डर या डेट होल्डर के लिए नो रिस्क, यहां पर शेयर होल्डर के लिए रिस्की। हाँ भाई, डिविडेंड डिसीजन, एक बार फिर, डिविडेंड देना है या नहीं, बोले तो डिविडेंड देना है या प्रॉफिट को रोक लेना है, इसका कंक्लूजन एक ही बात से निकलता है, वो क्या है? वो ये है, इफ इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो होंगी या तो वो प्रॉफिटेबल होंगी या फिर नॉट प्रॉफिटेबल, या तो प्रॉफिटेबल होंगी या फिर प्रॉफिटेबल
अगर कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो काम कर लेते हैं, उससे हमें फायदा होएगा। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर है तो क्या करो, रिटेन। नहीं है, नो नीड टू रिटेन। तो नहीं करना रिटेन, तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट बांट दो। और अगर करना है तो क्या करना है, री इन्वेस्ट कर दो। अच्छा, री इन्वेस्ट के फायदे, दो फायदे। अगर मैं डेट या इक्विटी लेकर आता तो कॉस्ट लगती, यहां पर नो फ्लोटेशन कॉस्ट, यहां पर नो फ्लोटेशन कॉस्ट, और इसके अलावा कोई मैंडेटरी खर्चा भी नहीं होता, मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी हमें करनी नहीं पड़ती, एनएससी बीएससी या फिर वॉट एवर मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट की कोई फॉर्मेलिटी हमें नहीं करनी पड़ेगी। और अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई, अगर मेरे पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और ऐसे में मैं प्रॉफिट कंपनी अपने पास री इन्वेस्ट करती है रोक कर, तो ये एक एक्टिव डिसीजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट करेगी, प्रॉफिट और ज़्यादा जनरेट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब कंपनी के पास नो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ऐसे में वो उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ध्यान देना, जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉफिट को, ये कंपनी के किसी काम नहीं आएगा। इसलिए इसे बोलती है कंपनी क्या, पैसिव डिसीजन, यानी ये एक तरह का रेजिडुअल डिसीजन माना जाता है, यानी एक ऐसा डिसीजन जिससे कंपनी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ भाई, ध्यान देना, ये सारे के सारे आपस में इंटरलिंक पॉइंट है। अगर मैं जैसे सेपरेट लेके आता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, पहला रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, तो हम बोलेंगे अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो प्रॉफिट को रिटेन करना चाहिए और उसे रिटेन करके री इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट लगती नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज लगती नहीं है, और ये एक तरह का एक्टिव डिसीजन माना जाता है। दूसरी तरफ हम क्या बोलेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोले तो इफ नो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसे में प्रॉफिट को रोकना नहीं चाहिए, मतलब रिटेन नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कैसा डिसीजन माना जाएगा, एक पैसिव डिसीजन माना जाएगा। क्लियर है? एक बार वापस लेके आ रहा हूं मैं, तीन पॉइंट पर मैंने फोकस किया है, तुमने देखा होगा यहां पर। हाँ भाई, पहला क्या था, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है या नहीं, है तो रिटेन करो, नहीं है तो रिटेन, अच्छा रिटेन करके री इन्वेस्ट करो, और अगर रिटेन नहीं करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज अ डिविडेंड। ठीक है? अच्छा, फिर इसमें हमने क्या बोला, अगर हम रिटेन करेंगे तो दो फायदे, कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कम क्या लगेगी नहीं, और नो लीगल फॉर्मेलिटीज, और ये क्या माना जाता है, एक तरह का एक्टिव डिसीजन, जबकि दूसरा क्या है, पैसिव डिसीजन। क्लियर है? हाँ जी, तो इसके बाद हम आते हैं अपने इस पॉइंट पर। ध्यान देना, अभी हमने यहां पर ये किया था, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पॉइंट रह गया हमारा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरह के थे, वर्किंग कैपिटल या कैपिटल बजटिंग। ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल डिसीजन तुम याद होगा तुमने दो तरह से लिया था, किस किस तरह से, या तो हाँ भाई कुछ पैसा कहाँ से, इसको सिंपल करके हटा के, कुछ लिया था सीएल से, कुछ लिया था एनसीएल से। वो पैसा जो सीएल से आता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, और वो जो नॉन करेंट लायबिलिटी से आता है उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। करेंट लायबिलिटी से आता है वो क्या, वर्किंग कैपिटल, और जो नॉन करेंट लायबिलिटी से आता है वो, अच्छा नॉन करेंट लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, मैं कुछ और बोलना जा रहा हूं, देखना, मैं बोल रहा हूं वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। दूसरी तरफ कैपिटल बफेट डिसीजन लेने के लिए पैसा चाहिए होता है उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। मेरी बात समझ आ रही है ना? मैंने ये अलग पॉइंट छोड़ दिया, ग्रॉस और नेट वाला छोड़ दिया मैंने, लेकिन तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हाँ भाई, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जिससे हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हैं। हाँ, लेकिन कौन सा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कौन सा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डिसीजन। दूसरी तरफ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल से हम नेट वर्किंग कैपिटल डिसीजन और
कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं उसके अंदर आते हैं। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल होता है लिक्विड, जबकि फिक्स्ड कैपिटल होती है इलिक्विड। मतलब हाँ भाई, लिक्विड बोले तो वर्किंग कैपिटल इजिली कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल इजिली यानी फिक्स्ड एसेट्स इजिली कन्वर्टेबल नहीं होती हैं। पॉइंट नंबर टू, प्रॉफिट में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। अच्छा, याद है क्यों? मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, वही एक समोसा ठेले वाले के पास 10 रुपए का मिल रहा है और वही PVR में जाओ तो वहां पर जाके वो 100 रुपए का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। वर्किंग कैपिटल में तो वही मैदा, वही नमक, मिर्ची और आलू। अच्छा, ऐसे ही फिक्स्ड कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा है प्रॉफिट में। और वर्किंग कैपिटल की जरूरत रिक्वायर्ड फॉर सेम चीज, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगेन सेम, नई एसेट्स को खरीदना, ओल्ड को रिप्लेस करना, मॉडर्नाइज करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना। हाँ जी, मैं फिर वापस आ रहा हूँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को क्यों लेकर आऊँ, सबको लेकर आऊँ बोला। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन तीन, पहला सिर्फ इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन तीन, पहला इन्वेस्टमेंट, कितने पार्ट? दो। पहला, दूसरा कैपिटल, हाँ जी, पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, दूसरा क्या? यहाँ पैसा कम लगता है, यहाँ पर पैसा। तीसरा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काम आता है, ये फिक्स्ड एसेट्स के मैनेजमेंट। ये दो पार्ट में बांटा जाता है, ग्रॉस वर्किंग और ग्रॉस वर्किंग का कुछ पैसा, सीएल से कुछ, नेट वर्किंग कैपिटल का सारा पैसा और कैपिटल बजटिंग का पैसा, ऑलवेज फ्रॉम NCL, नेवर फ्रॉम NCL। यही से दो पॉइंट निकल कर आए। जो पैसा क्या वर्किंग कैपिटल डिसीजन में लगता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, और जो पैसा कैपिटल बजटिंग डिसीजन में लगता है उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। दो पॉइंट, पहला ये लिक्विड होता है, ये इलिक्विड, इसका प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, और बाकी वही सेम पॉइंट जो ऊपर पड़े थे हमने, क्या इसका रिक्वायरमेंट और इसका रिक्वायरमेंट फिक्स एसेट्स। दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, अब पहला जनरल, फिर कॉस्ट और फिर रिस्क। जनरल में ये बोरोड है, ये टेम्परेरी है, ये यहां पर इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट कम, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा, गारंटीड रिटर्न, नो गारंटीड रिटर्न। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के लिए रिस्क ही है इंसॉल्वेंस का रिस्क, दूसरी तरफ नो रिस्क। डेट होल्डर के लिए नो रिस्क, शेयर होल्डर के लिए रिस्की। डिविडेंड डिसीजन, हाँ भाई, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिटेबल या नहीं है, अगर प्रॉफिटेबल है तो रिटेन, नहीं है तो रिटेन नहीं, रिटेन किया है तो री इन्वेस्ट, रिटेन नहीं किया है तो डिस्ट्रीब्यूट। रिटेन करने का फायदा, तो री इन्वेस्ट करने का फायदा, नो लीगल फॉर्मेलिटीज और फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी। ये एक एक्टिव डिसीजन है और ये एक पैसिव डिसीजन है। फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग ये एक ब्लूप्रिंट है जो फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। इसके अंदर हम मैचिंग करते हैं। ये मैचिंग किस चीज़ की है? हाँ भाई, एक मिनट, सिंपल तरीके देखते हैं। सोर्स ऑफ फंड बराबर एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स का मतलब मुझे फिक्स्ड एसेट्स या करेंट एसेट्स पे पैसा खर्च करना है, और वो कितना करना है? इतना करना है, जिस पैसे लाइक 30 रुपीज़ यहाँ पर है, 70 रुपीज़ यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो रही है? मैचिंग। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंटों से कहता है, सब लोग बताओ मुझे पैसा तुम्हें सोर्स कहाँ चाहिए। अरे क्या यार, हम भी बेवकूफ़ है, मैंने उल्टा कर दिया ये। सोर्स का मतलब है डेट और इक्विटी। डेट और इक्विटी कहाँ से, और एप्लीकेशन का मतलब क्या है? करेंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स, कहाँ पर चाहिए, किसके लिए पैसा चाहिए। हाँ जी, इसको बैलेंस करना, मैंने भी तुम्हें क्या बताया था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो सारे डिपार्टमेंटों से कहता है, सब डिपार्टमेंट ये बताएं
किस किस को कितनी करंट एसेट और कितने फिक्स्ड एसेट्स के लिए पैसा चाहिए और कब चाहिए। मैंने क्या बोला? हाँ भाई, पहला पॉइंट क्या बताना है? पहला क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट कितना चाहिए और कब, टाइम, ये बता दो। अच्छा, कहां से आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। लेकिन अमाउंट और टाइम कौन डिसाइड करेंगे? अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट। कोई परचेस डिपार्टमेंट को पता है कि हमें कब परचेस करनी है और कितने रुपए की परचेस करनी है? तो डिपार्टमेंट्स क्या बताएंगे? हाँ भाई, क्या बताएंगे? अमाउंट और टाइम। वो पैसा कहां से आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि अगर उनको इन सब चीजों के लिए अगर 100 रुपीज चाहिए तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे डेट से लाए, इक्विटी से लाए, 100 ही लेकर आए, इससे ज्यादा ना ले आए, इससे ज्यादा ना ले आए, मतलब सरप्लस पैसा ना लाए। क्योंकि अगर वो सरप्लस लेकर आया तो उस पैसे के चक्कर में कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? कॉस्ट। तो इसको हमने क्या बोला, इसे कहते हैं, हाँ भाई, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनता है बिकॉज ऑफ ट्विन ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो व्हाट इज फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट? हाँ भाई, सॉरी, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? दिस इज अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर जिसके ट्विन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने? ट्विन। पहला, एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अच्छा, प्रॉपर एस्टिमेशन रिक्वायर्ड, ये क्या बताएगा? अमाउंट। हाँ भाई, ये अमाउंट कितना फिक्स एसेट्स, कितना करेंट एसेट्स और कितना डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, क्या निकल कर आया इससे अमाउंट। दूसरा, टाइम। दूसरा क्या? टाइम। एंड स्पेसिफाई पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है चाहो तो ये बता दो कि ये पैसा तुम्हें डेट से चाहिए या फिर इक्विटी से। लेकिन ऑब्वियसली ये काम कौन करेगा? ये काम ऊपर वाले दोनों काम कौन कर रहे थे? कौन कर रहा था? अदर डिपार्टमेंट यानी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। और ये कौन कर रहा था? फाइनेंस डिपार्टमेंट। हाँ भाई, तो हमने क्या बोला, कितनी चीजें आई निकल के? तीन। पहला तो एंश्योर करो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कितना चाहिए, किस टाइम पर चाहिए और डेट से चाहिए या इक्विटी से चाहिए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव कि कहीं अननेसेसरली रिसोर्स ज्यादा यानी कि सरप्लस मनी मत ले लेना। क्योंकि अगर जरूरत थी 100 की, आपने ले ली 120, तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा है इस पर क्या लगेगा? कॉस्ट। डोंट अननेसेसरली एड टू द कॉस्ट। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर जिसके कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? दो। ट्विन ऑब्जेक्टिव, ट्विन ऑब्जेक्टिव। पहले में क्या बताना है, मैं फिर से सुनो, अमाउंट, टाइम और कहां से आएगा पैसा। और दूसरे में क्या बताना है? दूसरे में क्या बताना है? अननेसेसरली एक्स्ट्रा फंड रेज मत कर लेना, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर से, फाइनेंशियल प्लानिंग के ट्विन ऑब्जेक्टिव, पहला अमाउंट, टाइम और कहां से आएगा पैसा, सोर्स, और दूसरी तरफ जो भी पैसा चाहिए ज्यादा ना आ जाए, मतलब सरप्लस ना आ जाए, इसे बोलते हैं ट्विन ऑब्जेक्टिव। एक तरफ तीन है, एक तरफ क्या है? सिर्फ एक पॉइंट। क्लियर है? जो मैंने यहां लिखा है वो लिख लेना, क्या? अमाउंट, टाइम एंड यहां पर डेट इक्विटी, मतलब सोर्स। अमाउंट, टाइम और डेट इक्विटी बोले तो सोर्स, और वहां पर अननेसेसरली ज्यादा रेज नहीं करना है क्या? फंड। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? तो देखो जरा, तुम्हें यहां पर एक पॉइंट बता के मैं थोड़ा कंफ्यूज करते हुए कुछ पूछूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, क्योंकि ऑब्वियसली डेट होगा तो बोरोड फंड और अगर इक्विटी हुई तो ऑनर्स फंड, तो मालिक या तो होएगा या मालिक नहीं होएगा। तो हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप फाइनेंसिंग पैटर्न। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? अच्छा, ऊपर आया था क्या फाइनेंसिंग? कहाँ आया था भाई? अरे चला गया, आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। फाइनेंसिंग क्या गया? यानी कि क्या बता रहे हैं? डेट और इक्विटी, ठीक है। इसका मतलब ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आता है, मतलब इस तरह से नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल डिसीजन? ध्यान देना, यहां पर सिर्फ ये ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, उनके मेरिट डिमेरिट, बस। यहां पर क्या बताते हैं, तो आप एक ऑप्शन है फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं, डेट लोगे, इक्विटी, इसके फायदे इसके नुकसान, बस। लेकिन कितना उधार लेना है, कितना नहीं लेना है, दिस इज बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमने बोला एक फाइनेंशियल पैटर्न है, फाइनेंसिंग पैटर्न है जो प्रोपोर्शन के बारे में बताता है, सोर्स ऑफ फंड मतलब डेट से कितना आना है और इक्विटी से कितना आना है, मिक्स डेट और इक्विटी का मिक्स। क्या तुम लोगों के, क्या तुम लोगों ने, तुम सभी लोगों, क्या क्या लगाना बेकार है अब, तो तुम सभी लोगों ने रेशियो एनालिसिस कर लिया होगा, उसमें तुम पढ़कर आए हो डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, आइडल रेशियो क्या है, तो ध्यान देना 2:1। जो मैं डेट इक्विटी की बात कर रहा हूं, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है या ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन तो खाली उसके मेरिट और डीमेरिट बताने हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा कितना पैसा ले सकते हो। तो आओ देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर किस बेस पर बनाया जाता है। तो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, कोई बुरा मत मानना यहां कोई बनिया बैठा हो तो, हाँ भाई, बनियों का मानना है अपने पैसे से धंधा नहीं करना, धंधा दूसरों के पैसे से करना है। तो दूसरों के पैसे से धंधा करना बोले तो फाइनेंशियल, हाँ भाई, फाइनेंशियल लीवरेज लेना। व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कि टोटल कैपिटल में डेट का हिस्सा कितना है। तो इसका मतलब अब हम क्या बात करें, क्वांटम की बात हो रही है कितना, जबकि वो फाइनेंशियल डिसीजन में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पर बात हो रही है कितना डेट और कितनी इक्विटी, जिसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी के पास डेट और इक्विटी का, डेट और इक्विटी का रेशियो बना, यानी उसके हिसाब से 200 रुपए उसने डेट लिया हुआ था, 100 रुपए इक्विटी लिया हुआ था, क्या चीज, हाँ मतलब आइडल रेशियो है, ठीक है, ध्यान देना। अगर कंपनी इस कंडीशन में है और कंपनी के पास दो ऑप्शन आए, क्या और उधार लेकर बिजनेस करना है, अगर उसने और उधार लिया तो उसका रेशियो जाएगा 3:1, और उधार लिया किंगफिशर एयरलाइन, राइट, भाग जाएगा। हाँ भाई, तो हमने बोला डेट इक्विटी रेशियो अगर खराब हो रहा है, डेट इक्विटी रेशियो अगर खराब हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप समझते हैं पहली बात, उधार क्या, अच्छा एक और चीज, क्या विजय माल्या ने कुछ गलत किया था? नहीं भाई, अभी तो हम यही पढ़ा रहे हैं कि धंधा, अरे जब सस्ता पैसा मिल रहा है तो अपना क्यों लगाना है भाई। हाँ भाई, अपना लगाना ही नहीं है, जब मिल रहा है बाहर से तो पैसा अपना लगाना ही नहीं है। तो हमने क्या बोला, हाँ भाई, हम क्या बोल रहे हैं, उधार अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन, विशेष उसके बगल गोद में जाके बैठे हुए, आगे क्यों नहीं देखते हो, तो पीछे का ध्यान देते हो तुम यार, नहीं वो अलग बात है कि वो उसके बाद कहीं का नहीं रहेगा, आप बैठे आगे रहते हो पीछे, तुम तो चली जाओ, सुनो। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, अगर हम ज्यादा उधार लें अच्छी बात है क्या? अरे ऊपर तो यही क्वेश्चन है, क्या है फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब उधार लेके ज्यादा बिजनेस करो। तो ऐसे तो अगर हम उधार लेके ज्यादा बिजनेस करेंगे तो हमारा रेशियो जो 2:1 था वो 10:1 तक पहुंच जाएगा, जो टोटली अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन क्या लोग यहां तक पहुंचते हैं? हाँ। क्या कोई कंपनी 10:1 के रेशियो में भी काम कर सकती है? हाँ, लेकिन किस बेस पर? तो फाइनेंशियल लीवरेज के बेसिस पर। फाइनेंशियल लीवरेज का बेस क्या है? तो इसके दो ही बेस हैं। पहला बेस, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, पहला बेस हमेशा मैं ये बोल रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन, मतलब 20% आरओआई है और 10% क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट,
कितने परसेंट का प्रॉफिट आया? 10% का. अपना पैसा बिना लगाए 10% का प्रॉफिट. हाँ भाई, तो जब आरओआई ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से, ऐसे में हमें उधार ज्यादा लेना चाहिए. अगर हम उधार ज्यादा लेंगे, अपना पैसा बिना लगाए हमने जो पैसा कमाया उससे अर्निंग पर शेयर, या अर्निंग पर शेयर का मतलब मालिकों के हर एक शेयर पे उन्हें बिना पैसा लगाए एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, इसे कहते हैं क्या? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. कैसी है? व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? अपना पैसा लगाना नहीं है, दूसरे के पैसे से काम करना. दूसरों के पैसे से काम करना इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ऐसे में हम एडवाइस करते हैं भाई तू ज्यादा उधार ले ले, क्योंकि अगर तू ज्यादा उधार लेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा और ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? फेवरेबल. इसी को और एक और नाम देते हैं क्या? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. और ध्यान देना, अभी मैंने क्या बोला, इस हिसाब से तो अगर किसी कंपनी का आरओआई ज्यादा है तो क्या वो 2:1 से 10:1 तक पहुंच जाए? हाँ, पहुंच सकती है, लेकिन उसे एक और बात का ध्यान देना पड़ेगा. क्या? कि वो, हाँ भाई, क्या कि वो लापरवाही के साथ यानी रेकलेस रिस्क ना ले, मतलब वो जबरदस्ती ज्यादा पैसा ना ले, क्योंकि अगर उसने लिया तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा. तो सिंपल सा पॉइंट है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा 2:1 से अगर आपने 10:1 कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो सर मेरे हमेशा मेरी कंपनी में आरओआई ज्यादा था किससे? कॉस्ट ऑफ डेट से. लेकिन भाई तेरा फेवरेबल नहीं रहा, अब क्या हो गया? 10:1 का रेशियो हो गया, जो कि ज्यादा रिस्की हो गया है. कि अगर बिजनेस नहीं चला तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा. तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, जब हम फेवरेबल फाइनेंशियल किसकी बात कर रहे थे? हाँ भाई, जब आरओआई ज्यादा होता है किसे? कॉस्ट ऑफ डेट से. दैट इज व्हाट कॉल्ड फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा उधार लो तो अर्निंग पर शेयर. तो ऐसे में बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एडवाइजेबल. और लेकिन इतना भी पैसा मत लो, क्योंकि ज्यादा पैसा लोगे तो क्या होगा? रिस्क बढ़ जाएगा. दूसरी तरफ जब आरओआई है आपकी लाइक 6% और कॉस्ट ऑफ डेट है 10%, हाँ भाई, अब कितना लॉस लग रहा है? मालिक ने अपना पैसा नहीं लगाया था, उधार ले लिया, 4% का नुकसान उसके आरओआई और कॉस्ट ऑफ डेट के बीच पे हो रहा है. ऐसे में उसने ज्यादा उधार लिया तो उसका अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा. और ऐसे में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम एडवाइज नहीं करते, क्योंकि क्या था ये? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. फिर से सुनना. हाँ भाई, वापस ले आ रहा हूं. व्हाट इज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज? व्हेन आरओआई, व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन, सो लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट विद हायर यूज ऑफ डेट, अर्निंग पर शेयर डिक्रीजेस एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अनएडवाइजेबल. क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं. व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? रुको रुको. व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन और लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू डिसाइड कि हायर द डेट और लोअर द डेट, जो भी मतलब दोनों केसेस को लेकर हम दोनों को बताएंगे. लेकिन फिलहाल मैं आता हूं इस बात पर. अनफेवरेबल या अनएडवाइजेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है? आंसर क्या होगा? व्हेन आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट विद द हायर यूज ऑफ डेट, अर्निंग पर शेयर कम होएगा. और इसी को क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट एडवाइजेबल. अब ध्यान सुनना, सेम चीज एक और नाम से आती है. क्या है वो? वाई अर्निंग पर शेयर राइजिंग विद हायर डेट. ध्यान देना, डेट जब ज्यादा था तो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था. रीजन अगेन क्या? व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. ऐसे में अगर कंपनी ज्यादा उधार लेगी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और ऐसे में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइजेबल होती है. लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ज्यादा भी उधार मत ले लेना, नहीं तो रिस्क बढ़ जाएगा. इसका जस्ट अपोजिट, वाई इज अर्निंग पर शेयर फॉलिंग विद हायर डेट. अगेन पॉइंट नंबर वन, व्हेन आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज.
With the higher use of debt, earnings per share will fall on trading on equity. Last. Finally, वापस आ रहा हूँ. What is financial leverage? ज़्यादा से ज़्यादा उधार लो. Impact. ज़्यादा उधार लोगे तो क्या होएगा? Risk बढ़ेगा. ज़्यादा उधार लोगे तो क्या होएगा? Risk बढ़ेगा. तो cost of fund, मेरे पास दो ऑप्शन है. अरे बदतमीजों, पहले देख तो लो, कुछ और भी बचा हुआ है. देखो, मेरी कंपनी की ROI और COD दो ऑप्शन दे रहे हैं. ROI था 10% और COD भी है 10%. क्या मुझे उधार लेना चाहिए? ROI है 10%, कहीं से जुगाड़ बन रही है 8% पे उधार लेना चाहिए? मतलब उधार सस्ता जितना हो सके उतना बेस्ट. हाँ भाई, कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन पहले केस में हो रहा है, दूसरे में जिससे क्या होएगा? इंक्रीज्ड यूज ऑफ सस्ता डेट मिल रहा है. तो सस्ता डेट मिलेगा तो ROI और COD का डिफरेंस, फेवरेबल डिफरेंस बढ़ेगा. और अगर बढ़ेगा तो ऐसे में आप उधार तो ज्यादा ले लोगे, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा, कंपनी बंद हो सकती है. थैंक यू.